गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फिफ्थ एंड सब्जेक्ट इज जनरल नॉलेज। बेटा, वी हैव डन टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। टुडे वी विल डू थर्ड चैप्टर। चैप्टर थर्ड नेम इज़ व्हाट शेप एम आई अराउंड द वर्ल्ड। दिस चैप्टर इज़ अबाउट आइलैंड। आइलैंड के बारे में है। आइलैंड आपने नाम सुना होगा ना, ये आइलैंड के बारे में है। अब आइलैंड होते क्या है, वी विल डिस्कस। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। एक ऐसी ज़मीन जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। ओके बेटा, ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ओके, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। और श्रीलंका क्या है, आइलैंड नेशन है। देयर आर मैनी टिनी आइलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। सम ऑफ देम हैव यूनिक शेप। इनमें से कुछ की बहुत अद्वितीय शेप है, यूनिक, जिसकी अपने आप में एक, वो हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन इज, लुक एट द आइलैंड्स गिवन ब्लो। आइलैंड्स जो आपको दिए हुए हैं वो आप देखें। आइडेंटिफाई दियर शेप्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। ओके, हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स यूज़ करना है और उसकी शेप्स को फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट फर्स्ट वाला हम देखेंगे। तौरा आइलैंड इज इन फिजी। तौरा आइलैंड क्या है, फिजी में है। शेप आपको दिखाई रही है, दे रही है, इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ हार्ट शेप। ओके, नेक्स्ट है मनुकान ममतेक एंड सुलुक आइलैंड आर इन मलेशिया। दे लुक लाइक स्माइली के जैसे दिख रहे हैं ना ये। ये देखो, टू आईज एंड स्माइली, ऐसे ही होती है ना स्माइली। नेक्स्ट है, दिस आइलैंड इज वन ऑफ द स्पार्कली आइलैंड। इट इज इन फिलीपींस में। इट लुक्स लाइक शेप, इस शेप को हम बोलते हैं बूमरंग, धनुष की जैसे शेप की होती है ये। ओके, फोर्थ वन इज, दिस आइलैंड इज इन बोराके। इट्स द नेम ऑफ फिलीपींस सिटी। फिलीपींस की एक सिटी का नाम है ये। इट लुक्स लाइक, कैसी दिख रही है ये, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट वन इज, सी द मोलोकिनी आइलैंड इज फाउंड इन हवाई। इट इज शेप्ड लाइक, कैसी शेप है इसकी, देखो ये शेप है क्रिसेंट। ओके, सी आर ई एस ई एन टी। सिक्स वन इज, सी आर यू वॉचिंग प्रॉपरली, दिस वन ग्लूमेड आइलैंड इज इन फिलीपींस। फिलीपींस में है ये। इट लुक्स लाइक अ शेप, व्हाट इज द शेप, फाइंड आउट। ऐसे होता है, क्या होता है ये, हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर की शेप की होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट सी, ये तो आपको अच्छे से समझ आ रही है। द गास आइलैंड इज इन क्रोएटिया। इट लुक्स लाइक अ फिश, फिश के जैसे दिखती है। नेक्स्ट एट्थ वन इज, द सिरेनियस आइलैंड इज इन इटली। इटली में है। इट इज शेप्ड लाइक अ, कैसी शेप है इसकी, डॉल्फिन। डॉल्फिन जैसी दिख रही है ना। नेक्स्ट दिस वन नाइन, गुशान आइलैंड इज इन ताइवान। ताइवान में है। इट लुक्स लाइक, इसकी शेप कैसी है, टर्टल जैसी। नेक्स्ट वन इज,
Isabela Island is in Ecuador. It looks like seahorse. Seahorse की तरह दिखता है ये. Okay बेटे, now one note is given to you what you learn from this chapter. There is a saying, no man is an island. Island पर कोई भी व्यक्ति नहीं होता. Do you know what that means? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है we should not be alone in this world. हमें इस संसार में अकेले नहीं रहना चाहिए. We need friends and relatives. हमें friends और relatives की ज़रूरत होती है. Always be friendly with everyone. हम सबको भी कैसा रहना चाहिए? Friendly रहना चाहिए. लोग अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए. सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए. ओके, आई होप यू एन्जॉय दिस चैप्टर अ लॉट. सो व्हाट टू डू, आई विल प्रोवाइड वर्कशीट टू राइट डाउन इन नोटबुक. नोटबुक में वर्क करने के लिए मैं एक वर्कशीट प्रोवाइड करवाऊंगी और आपको बुक में ही ये फिल करना है. वीडियो देख के बुक में फिल करना है. ओके बेटा, till then stay safe, stay home.